कल हमने डॉम पढ़ लिया था। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आज आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड प्रोटोटाइप्स। कंस्ट्रक्टर एंड प्रोटोटाइप्स जो हैं, कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप्स के बगैर भी काम किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड्स यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, याद है? हमने कल एक ऑब्जेक्ट बनाया था लेट यूजर, ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम, ये आपका क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू। लास्ट नेम, और ये लास्ट नेम आपका क्या बन गया, प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू। फुल नेम, फंक्शन, अब ये क्या बन गया, ये मेथड बन गया। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ये उसका मेथड। ओके, शो इमेज। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करें, अक्सर वेबसाइट में देखा होगा जब भी आप, समटाइम ऐसा होता है आप बटन पे क्लिक करते हैं, एक मॉडल पॉपअप होता है, मॉडल शो होता है लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें आपके पास, अच्छा ये मॉडल जो है इसको मॉडल कहा जाता है, और ये बूटस्ट्रैप का मॉडल है। वालेकुम सलाम। ठीक है, बूटस्ट्रैप का मॉडल। तो अगर आप लोगों ने इसको यूज करना है तो गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे जाएं, डॉक्स, यहाँ पे जाके ये देखें, नैव बार से ऊपर मॉडल। इस मॉडल में आप लोगों के पास लाइव डेमो, ये बटन बना हुआ है, ये जो आपको बटन नजर आ रहा है, और ये आपका मॉडल का कोड है। सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करें, ये यूज हो सकता है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ये मॉडल आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। क्लोज करें, इसको क्लोज करें, दोनों सेम वर्क करेगा। और अगर आपने इसको वर्टिकली सेंटर में लेकर आना है, अब ये देखिए टॉप पर है, वर्टिकल सेंटर में नहीं है, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो वर्टिकली सेंटर में है। आप लोग किसी भी स्क्रीन में चले जाएं, इसने हमेशा सेंटर में रहना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसमें आप देखें राइट साइड पे लाइव डेमो, स्टैटिक बैकड्रॉप, स्क्रॉलिंग, लॉन्ग कंटेंट और वर्टिकली सेंटर। तो ये वर्टिकली सेंटर मॉडल डायलॉग सेंटर। अच्छा, ऊपर एक जो हमने एलिमेंट यूज किया मॉडल वाला, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग सेंटर, ये क्लास बस ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा करेगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडल। अच्छा, मॉडल में एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, ये इमेज, इस इमेज में देखें आपके पास क्या है, होस्टिंग प्लान्स। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा इसमें तीन प्लान्स हैं, बेसिक, प्रोफेशनल और अल्टीमेट। बेसिक में क्या है, मंथली डिस्क स्पेस, डाटा ट्रांसफर, साइट पेजेस, डिस्काउंट मंथ। प्रोफेशनल फिर अल्टीमेट। अच्छा, एक तो तरीका ये कि इसको अगर बनाया जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट कॉन्स्ट प्लान वन, या फिर आप इसको कह दें बेसिक प्लान इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में, सबसे पहले एक तरीका है कि बेसिक प्लान प्राइस, कॉन्स्ट की जगह लेट ले लें, लेट बेसिक प्लान प्राइस कितनी है, 3.99। उसके बाद प्राइस के बाद क्या है, डिस्क स्पेस, और ये कितना है, 100 GB। उसके बाद डाटा ट्रांसफर कितना है, 1000। आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि आप लोग इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, लेट बेसिक प्लान इक्वल टू ऑब्जेक्ट, प्राइस कितनी है, 3.99, डिस्क स्पेस कितनी है, 100, और डाटा ट्रांसफर कितना है,
बेस्ट वे। और क्योंकि डाटा आप लोग जब भी स्टोर करवाया करेंगे, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ही करवाया करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं जो उसकी वैल्यूज को डिफाइन कर रही होती हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका नेम और ये उसकी वैल्यू। इसी तरह लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारे केस में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। तो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग, ईमेल की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रिंग में ही होगी। डेट ऑफ बर्थ में लेट्स सपोज आप कह लेंगे 01/06/2000, तो यकम जून 2000। लेकिन एक्चुअल में इसमें डाटा शो किस तरह होता है, जब भी आप लोग डेट से एक डाटा गेट करते हैं, सबसे पहले ये, फिर मंथ, और फिर आपके पास डेट आती है, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हम ले लेते हैं मौसम, लास्ट नेम मुगल, मौसम एट मुगल डॉट कॉम, डेट ऑफ बर्थ मंथ मंथ, डेट डेट, बाय बाय बाय। सॉरी, इसमें डेट फॉर्मेट इस तरह है, HTML में इस तरह है, जब आप लोग React में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हैंड डिज़ाइन में होता है, ये लाइब्रेरी आ जाती है। बरत मंथ डेट और ईयर, तो मंथ डेट और ईयर इस तरह वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, सो 06/01/2000, जैसे ऐड यूज़र किया तो ये देखें, फर्स्ट नेम आपका क्या आ गया, मौजम, लास्ट नेम मुगल, ईमेल मौजम एट मुगल डॉट कॉम, डेट ऑफ बर्थ 01/06/2000। ओके, तो डेट में जो सिलेक्ट की जा रही है वो इस तरह की जा रही है, लेकिन डेटा जो आपको मिल रहा है वो वही फॉर्मेट मिल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था, ईयर मंथ और आपके पास डेट, ठीक है। तो ये इस तरह ही होगा, ईयर मंथ और डेट। पर ये बस समझाने के लिए था, अब आ जाते हैं अपने कोड में। आप लोग जैसे ही, अच्छा लेट्स सपोज आपके पास ये वेबसाइट आ गई, ठीक है, तो वेबसाइट में जब भी कोड को देखना हो तो कोड को देखा जाता है जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करें उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बटन क्या है, ऐड यूज़र, ठीक है। तो ये ऐड यूज़र कहाँ पर लिखा होगा, अगर ये बटन आप देखना चाहें, बटन आपको कहाँ पर मिलेगा, किस फाइल में, HTML की फाइल में, ठीक है। HTML की फाइल में आप लोग देखें ऐड यूज़र, ऐड यूज़र देखा, और इसमें सिर्फ एक ही है, और इस फॉर्म, जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो फंक्शन कौन सा चल रहा है, हैंडल सबमिट। अब हम आएंगे हैंडल सबमिट में, ये हैंडल सबमिट, ठीक है। हैंडल सबमिट में क्या हो रहा है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, इससे क्या होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो है उसको रोक देता है। लेट फर्स्ट नेम गेट फील्ड वैल्यू, आपने इसमें पास क्या किया, ये क्या पास कर रहे होंगे, आईडी, ठीक है, उस फील्ड की, उस इनपुट फील्ड की आईडी है। गेट फील्ड वैल्यू में क्या हो रहा है, आपने वहां से आईडी भेजी, आईडी आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहे हैं बाय आईडी, आईडी आ गई डॉट वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी रिटर्न हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी गेट फील्ड वैल्यू में, और गेट फील्ड वैल्यू से ये स्टोर हो जाएगी आपकी फर्स्ट नेम में। उसी तरह लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू आ जाएगी। जी इतना क्लियर है, ये बताइएगा, इवन डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकेगा, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ आपने इनपुट फील्ड से वैल्यू ले ली, ठीक हो गया। डॉट ट्रिम ये मेथड क्या करता है, पता है किसी को, डॉट ट्रिम,
आपके पास जी समझा नहीं मैं। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज यूजर ने अपना फर्स्ट नेम लिखा, हमारे पास फर्स्ट नेम बराबर है इसके, यूजर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम आपका कम से कम कितने करेक्टर का हो सकता है पॉसिबल, तीन का, ठीक है। अगर हम स्पेस की ऐड कर दें तो ये तीन करेक्टर काउंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। और आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो ये देखें आपके पास तीन स्पेसिंग आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम मेथड यूज करें तो अब देखें क्या हो रहा है, जितनी भी स्पेसिंग थी स्टार्ट की और एंड की, जितनी भी स्पेसेस होती है उसको रिमूव कर देता है ट्रिम मेथड, ये करता है। लेट सपोज फर्स्ट नेम जो है हम इसको दोबारा से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर आप काफ़ी सारी स्पेस लें, सिर्फ ए लिखें और स्पेसिंग ऐड करते हैं, ठीक हो गया। अब ये आपकी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20-25 करेक्टर्स ये बन गए होंगे स्पेसिंग को इंक्लूड करके। लेकिन फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम मेथड यूज करें तो अब आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ ए। तो अब अगर आप इसकी लेंथ को गेट करेंगे तो आपको एक लेंथ मिलेगी, तो ये आप ट्रिम मेथड यूज करते हैं। तो यही हम चीज कह रहे हैं, फर्स्ट नेम की किसके बराबर हो जाए, फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम के, लास्ट नेम डॉट ट्रिम और ईमेल डॉट ट्रिम। अगर फर्स्ट नेम की लेंथ कम है कितने करेक्टर से, तीन से, तो नोटिफिकेशन शो कर दो प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्टली और क्या दे दो, एरर। मींस कि ये इसकी टाइप क्या हो रही है, एरर। हमने नोटिफिकेशन का एक फंक्शन बनाया था याद है स्विच मेथड की मदद से, ठीक है, टाइप और मैसेज हम पास करते थे, टाइप की बेस पे उसका कलर चेंज हो रहा था बस, तो ये वही हो रहा है मैसेज और उसकी टाइप। तो एरर में आपको उसका कलर मिल रहा होगा रेड। तो यहाँ पे देखें जैसे हम ऐड यूजर करते हैं तो आपके पास प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट नेम करेक्टली, ठीक है। उसी तरह ईमेल फॉर्मेट, ईमेल फॉर्मेट डॉट टेस्ट ईमेल, अच्छा ये एक रिजेक्ट है जिसकी मदद से फॉर्मेट चेक होता है, तो इसको क्या हम करेंगे, इसको हम रिएक्ट में जाके करें सीखेंगे ये टेस्ट होता किस तरह। ओके, यस, टेस्ट करो ईमेल, अगर तो प्रॉपर या वैलिड ईमेल आप लोगों ने ऐड नहीं की तो क्या करो, नोटिफिकेशन शो कर दो प्लीज एंटर योर ईमेल करेक्टली और रिटर्न कर दो। अगर डेट ऑफ बर्थ यूजर ने सेलेक्ट नहीं की तो क्या कर दो, प्लीज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ और साथ ही रिटर्न कर दो। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, जी ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी का नेम फर्स्ट नेम और वैल्यू कहाँ से आ रही है, फर्स्ट नेम से, ठीक है, वेरिएबल से, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट ने हमारा काम आसान किया हुआ है, अगर प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू अगर वेरिएबल में है और उस वेरिएबल का नेम सेम हो, जिस तरह हमारे केस में प्रॉपर्टी नेम और वेरिएबल का नेम सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रॉपर्टी नेम लिखें, ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा कि वेरिएबल जो भी होगा फर्स्ट नेम का ये उसकी वैल्यू को गेट कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका काम, मजीद कोड आप जितना कम करें उतना बेहतर है, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी फास्ट होगी, और प्रोफेशनल वे भी यही है कोड करने का। तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम, ईमेल में ईमेल, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ। ओके, कंसोल डॉट लॉग यूजर, फर्स्ट नेम साकिब अली, साकिब एट जीमेल डॉट कॉम, डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर ले, एड यूजर। ओके, तो ये देखें ये आपके पास यूजर आ रहा है, इसको भी स्किप करें,
क्रोम में एक एक्सटेंशन है फेक फिलर के नाम से, तो ये फेक फिलर जब भी आप लोग फॉर्म में काम कर रहे हो इसको लाजमी यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है प्रोडक्ट की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अभी देखिए, हमने जब भी टेस्ट करना हो हमें बार बार फॉर्म को लिखना पड़ रहा है, ठीक है, खुद से ऐड करना पड़ रहा है। इसमें क्या होता है, राइट क्लिक किया, फिल ऑल इनपुट्स, ऑटोमेटिकली कंप्लीट फॉर्म फिल हो गया अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। इसकी डाटा टाइप फर्स्ट नेम है, सॉरी डाटा टाइप टेक्स्ट है, इसमें हमने नेम भी पास किया हुआ है फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम लेगा, ये लास्ट नेम लेगा, ईमेल थी तो ईमेल आ गई, डेट ऑफ बर्थ थी तो डेट ऑफ बर्थ, ऐड यूजर किया तो ये देखें डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। ओके, कोई भी एलिमेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, हम उसको एक यूनिक आईडी पास करते हैं। यूनिक आईडी पास करेंगे तो आप लोग उसको डिलीट भी कर सकते होंगे और एडिट भी कर सकते होंगे। लाइक फर्स्ट नेम, यहाँ पर लेट्स सपोज दो अली हैं तो दोनों का सेम नेम हो गया, लास्ट नेम भी पॉसिबल है दोनों का नेम लास्ट नेम सेम हो, इवन के ईमेल भी पॉसिबल है उन्होंने सेम कर दी हो, हालांकि ईमेल होती यूनिक है लेकिन उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करना था उन्होंने सेम कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज दो भाई थे, दोनों भाई ने ईमेल सेम यूज़ की लेकिन अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम जिनके लास्ट नेम सेम होगा लेट्स सपोज, तो ये भी चीज़ यानी कि मैच नहीं हो रही, ठीक है, यूनिक नहीं बनी। तो यूनिक जो हम करते हैं, हम खुद से एक यूनिक आईडी पास करते हैं, ठीक है, खुद से यूनिक आईडी पास करते हैं। आईडी बनाने का तरीका, हम एक रैंडम नंबर लेते थे, किस तरीके से, मैथ डॉट रैंडम, तो ये देखो ये रैंडम नंबर आ गया, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। अच्छा अभी इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर, इसको स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है डॉट टू स्ट्रिंग तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में, ओके स्ट्रिंग, आपके पास स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स टोटल कितने हैं, 26, ठीक है, 26 हो गए, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 10, ठीक है, 0 to 9 होते हैं, उसी से आप मतलब इसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो टोटल कितने हो गए अल्फाबेट्स और नंबर्स, 36, ठीक है, तो यहाँ पर 36 पास करते हैं, टू स्ट्रिंग 36 बेस, 36 बेस में क्या होगा, आपको सारे नंबर्स भी मिल सकते हैं और सारे अल्फाबेट्स भी मिल सकते हैं। इसको एंटर किया तो अब देखें उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में 36 बेस, इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं 0 to 9 और अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसमें एक चीज यूनिक नहीं अभी भी है, क्या चीज, 0 और डॉट, ठीक है, 0 और डॉट यूनिक नहीं है, ये मैच कर रहा है सबका। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले दो डिजिट्स के अलावा बाकी सब चाहिए, तो क्या यूज कर सकते हैं, स्लाइस डॉट स्लाइस, और स्लाइस हम यहाँ अंदर क्या पास करेंगे इसके, टू, तो आप लोग टू पास करें, ये क्या करेगा, इंडेक्स टू से कॉपी स्टार्ट करेगा और एंड तक लेके जाएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इसका इंडेक्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डॉट के बाद से, ठीक है। तो अब देखें, अब आपके पास जीरो डॉट नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये आपकी देखें हमेशा यूनिक आईडी बन रही है, चांसेस हैं बहुत तो नहीं लेकिन माइनर से चांसेस है कि सम टाइम पॉसिबल है कि ये मैच कर जाए, क्योंकि रैंडम नंबर है, हम एक फार्मूला ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, हमेशा यूनिक आईडी ही जनरेट कर रहा था नॉर्मली। अगर आपने फुल यूनिक बनाना है तो फिर आप कर सकते हैं ये, और साथ ही आप न्यू
डेट, न्यू डेट डॉट गेट टाइम, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो अब ये आपको हमेशा यूनिक ही देगा। ये चीज़ तो यूनिक हो ही रही थी, और क्योंकि आपने टाइम मैच कर दिया साथ में, तो टाइम तो हमेशा डेफिनेटली चेंज ही हो रहा होगा, और ये मिली सेकेंड्स में आपको वैल्यू दे रहा होता है। तो ये आपकी यूनिक आईडी पॉसिबल है, इस तरह बन सकती है। ओके, मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, इससे क्या होगा, जीरो और डॉट के अलावा उसके आगे की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको एज अ यूनिक आईडी मिल जाएगी। उसके बाद यूजर डॉट डेट क्रिएटेड, लेट ए बी सी इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ए बी सी में टाइटल, टाइटल सी एल ओ ए बी सी, आपके पास ए बी सी क्या आ रहा होगा, टाइटल, ठीक है। आप लोगों ने अगर इस ए बी सी में मजीद प्रॉपर्टीज को ऐड करना है या डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को लिखें डॉट आगे प्रॉपर्टी नेम लिखें, लेट सपोज टाइटल है, हम इसमें यूज कर लेते हैं एक और चीज है, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, सेव करें। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ठीक हो गया। अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं इसमें से कोई किसी एक प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे ए बी सी डॉट टाइटल। तो अब क्या होगा, इसमें से टाइटल रिमूव हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऐड होगा, और सेव करेंगे तो आपके पास सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका ऐड करने का और रिमूव करने का तरीका, तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जो भी फॉर्म से आप लोग डाटा ले रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यूजर डॉट आईडी, आपने एक यूनिक आईडी ले ली, यूजर डॉट डेट क्रिएटेड, ये जो यूजर है ये बना कब है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक वगैरह में भी उसमें आ रहा था ज्वाइनिंग डेट, कि प्रोफाइल जो बनी है फेसबुक पे इसने ज्वाइन कब किया है, तो वो इस चीज से पॉसिबल है कि उसने जब भी अपना अकाउंट क्रिएट किया है उसमें डेट क्रिएटेड आ रहा है कि उसने अकाउंट क्रिएट कब किया था। तो अभी तो हम ये लोकल डाटा ले रहे हैं कि हमारे सिस्टम में जो भी डाटा है टाइम जो चल रहा है ये उस टाइम को गेट करेगा। इन फ्यूचर हम क्या कर रहे होंगे, हम सर्वर से टाइम ले रहे होंगे, सर्वर में 24 घंटे सर्वर चल रहा होता है, उसका टाइम आप लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। आपके सिस्टम में बेशक एक साल पुरानी डेट ही क्यों ना चल रही हो, पुराना टाइम चल रहा होगा, लेकिन उसने सर्वर से करंट टाइम को ही उठाना होगा, तो फिर हम वो सर्वर का टाइम ले रहे होंगे। ओके, यूजर का स्टेटस क्या है, एक्टिव। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह ये बिलिंग वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल ये स्टॉर्म फाइबर का नेट है, पीटीसीएल का नेट है, आप लोगों ने अगर बिल पे नहीं किया तो आपका नेट नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो आपका अकाउंट डिलीट कर देते हैं टेम्परेरी और दोबारा से एक न्यू अकाउंट बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, सिंपल वो आपका स्टेटस जाके इनएक्टिव कर देते हैं। अगर यूजर का स्टेटस या फिर आपका बिलिंग स्टेटस जो भी है पेंडिंग है या पेड नहीं है या नॉट पेड है तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, और अगर आपका बिलिंग स्टेटस पेड है तो आपका इंटरनेट चल रहा होगा। सिंपल यहाँ पे जाके उन वैल्यूज को चेंज किया जाता है, और ये आपका बाद में सेलेक्ट की मदद से होता है, सेलेक्ट में ड्रॉप डाउन जो आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से जाके सिंपल चेंज करते हैं और ये आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है। जैसे अपडेट होगा ऑटोमेटिकली सारी फंक्शनैलिटी वर्क करने लग जाती हैं। ओके, यूजर का रोल, आपने अक्सर देखा होगा एक ही वेबसाइट है, जैसे आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ की एलएमएस वगैरह अगर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वेबसाइट एक ही होती है, एलएमएस भी एक ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन रोल बेस पे काम हो रहा होता है। सुपर एडमिन है उसके पास सारे फीचर्स होंगे, एडमिन है जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है उसके पास कुछ फीचर्स हैं, टीचर है उसके पास टीचर की फंक्शनैलिटी है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी है, और लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन की फंक्शनैलिटी है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की फंक्शनैलिटी है। तो ये आपका रोल बेस्ड काम हो रहा होता है फिर, ठीक है, उसका जो भी रोल होगा उसकी वो वाली फंक्शनैलिटीज नज़र आ रही होंगी। तो
तो आप लोग कुछ इस तरह के प्रॉपर्टीज को मजीद ऐड करते हैं, आईडी तो लाजमी ही होनी है, डेट क्रिएटेड भी लाजमी होगा, ठीक हो गया, स्टेटस भी लाजमी होगा, रोल आपका सिर्फ यूजर के कलेक्शन में होगा। अगर आप कोई और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, लेट सपोज ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आप लोग अमाउंट को विड्रा करवा रहे हैं या डिपॉजिट करवा रहे हैं, क्रेडिट करवा रहे हैं, डेबिट करवा रहे हैं, डेफिनेटली उसमें रोल नहीं आएगा, स्टेटस आ रहा होगा, ठीक है। स्टेटस में क्या होगा कि क्रेडिट हो गया है या फिर डेबिट हुआ है, और डेट क्रिएटेड, ट्रांजैक्शन की डेट कब हुई है और ट्रांजैक्शन की आईडी क्या थी। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा उसमें आईडी आ भी रही होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन करें टाइम भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर इस बेस पर ही काम हो रही होती हैं, और वो जो एक ट्रांजैक्शन है वो भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, और वो जितनी ट्रांजैक्शन है वो किसमें स्टोर हो रही होंगी, एक एरे में, ठीक है। ओके, यूजर्स, यूजर्स जैसे ही नेम आया इससे क्या लग रहा है कि कौन सी डेटा टाइप है, यूजर्स, यूजर्स एरे, ठीक है, प्लूरल हो गया ना आपका, तो ये आपकी क्या बन गई, एरे। और एरे में आपका कौन सा मेथड चलता है, पुश चल सकता है, उसमें हम ऐड क्या करवा रहे हैं, यूजर, जो भी यूजर आया हमने उसको उस एरे में पुश करवा दिया। तो यहाँ पे देखें एक यूजर्स की एरे बन रही है ग्लोबली, आप लोग उसको एक फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं और उसको डेटा स्टोर करवा रहे हैं। तो ये देखिएगा, आपने एक फिल ऑल इनपुट्स, यूजर को ऐड किया, यूजर ऐड हो गया, एक और यूजर को ऐड कर लें, जैसे वो वाला फंक्शन चलेगा पुराने यूजर्स में एक और यूजर ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा। पुश से क्या होता है, एंड पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें, स्टार्ट में बासिल और सेकंड में क्या आ जाएगा, माइकल। तो ये देखें, माइकल आ गया जी, इतना क्लियर है, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफी टेम्परेरी है, हम इसको परमानेंट किस तरह बनाते हैं, डाटा को डेटाबेस में स्टोर करवा के। ओके जी, ओके, क्लियर आउटपुट करेंगे तो क्या होगा, इस आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल ब्लैंक हो जाएगा स्ट्रिंग, या आपका स्ट्रिंग ब्लैंक हो गया। शो टेबल करेंगे, दोबारा से टेबल का फंक्शन चल गया, और प्रिंट यूजर इन कंसोल करेंगे तो आपके पास वो जो एरे जो है उस एरे का वन बाय वन करके डाटा आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, शो टेबल में क्या हो रहा है, यूजर्स, आपका यूजर्स क्या है, एरे। पेज को रिफ्रेश करें और शो टेबल्स लें, तो वो क्या कह रहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पर आपके पास देर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल। जैसे आप फंक्शन शो टेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो वो चेक कर रहा है कि क्या यूजर्स में लेंथ है, अगर तो नहीं है तो फिर क्या कह दो, देर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल। अगर तो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो फिर क्या करेगा, वह नेक्स्ट कोड को रन कर देगा। ओके, नेक्स्ट कोड में क्या हो रहा है, टेबल का स्टार्टिंग कोड, टेबल रिस्पॉन्सिव, टेबल क्लास, टेबल, ये टेबल आपका बूटस्ट्रैप का है, टेबल हेडर, आपने कंप्लीट हेड का कोड ले लिया, इसमें एक ऐड कर दें, ये आपका टेबल हेड है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एज। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा, जब आपके पास टेबल आ रहे होंगे, यहाँ पर एक और कॉलम आएगी एक्शंस के नाम से, उस एक्शंस के नीचे आपके पास दो बटन होंगे, एडिट का और डिलीट का। अभी देखें, आप लोग क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट को, क्रिएट कर रहे हैं, और ये आपका क्या हो रहा है, नहीं, ये आपको नज़र जो आ रहा है, ये क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से क्रिएट किया और यहाँ से आप लोग रीड कर रहे हैं, यहाँ पर दो बटन होंगे, अपडेट का और डिलीट का, इस तरह आपका एक करंट कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। फंक्शन एक ही बनता है,
ठीक है, फंक्शन एक ही, मतलब कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हो फंक्शनैलिटी सेम होगी, क्रिएट की, रीड की, अपडेट की, डिलीट की, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा डेटाबेसेस चेंज हो रही होंगी। समटाइम होता है कि यूज़र कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो हर कंपनी का अपना हिसाब होता है, वो कोई और डेटाबेस यूज़ कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो फंक्शनैलिटी सेम होगी, सिर्फ डेटाबेस में डाटा ऐड करने का तरीका चेंज होता है। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सेम ही होगा आपका। ओके, उसके बाद टेबल एंडिंग कोड आ गया और टेबल बॉडी आ गया। इसमें डाटा जो चेंज हो रहा है वो आपका रो चेंज हो रही है, बस डायनेमिक डाटा जो आ रहा है वो आपका रो का आ रहा है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, अच्छा अब ये क्या चल रही है, फॉर लूप, लेट आई इक्वल टू जीरो आई यूजर्स डॉट टाइम, ये तब तक चले जब तक यूजर्स की लेंथ तक, जितनी यूजर्स की लेंथ होगी उतनी चलेगी। आई प्लस प्लस टेबल बॉडी प्लस इक्वल क्या करता है, पुराना कोड भी और न्यू कोड को भी कंकैटिनेट कर रहा होता है। तो इसमें आपकी देखिए क्या बन रही है, टी आर से टेबल रो, एक टेबल रो बनी आई प्लस वन, आपका आई क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स इनिशियल लेवल पे क्या है जीरो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है वन, तो आई प्लस वन करेंगे, जीरो होगा तो वन होगा तो टू हो जाएगा, टू होगा तो थ्री हो जाएगा। उसके बाद यूजर्स आई, यूजर्स आई, आपका यूजर्स उसके इंडेक्स जीरो को गेट करो, ठीक है, इंडेक्स जीरो को गेट किया, डॉट फर्स्ट नेम, उसका जो भी फर्स्ट नेम है उसको प्रिंट करवा दो, उसी तरह लास्ट नेम, ईमेल और डेट होगा। उसके बाद लेट टेबल किसके बराबर है, टेबल का स्टार्टिंग कोड, ये आपका स्टार्टिंग कोड आ गया, टेबल हेड, ये आपका टेबल हेड आ गया, टी बॉडी, टेबल बॉडी, दरमियान में डायनेमिक डाटा जो रो बन रही है, टी बॉडी ख़त्म हो गया और टेबल एंडिंग कोड आ गया। ठीक है, इस तरह ये आपका टेबल का कोड, जो एक्चुअल में एक स्ट्रिंग है, डिव के एलिमेंट्स हैं कुछ, आपका डिव एलिमेंट, उसके अंदर टेबल एलिमेंट है, फिर टी हेड आ जाएगा, फिर टी बॉडी आएगा, टी बॉडी के बाद आपका टेबल एंडिंग कोड, टेबल खत्म हुआ और डिव खत्म हो गई, सारा कोड आपका कॉन्कैटिनेट हो रहा है और स्टोर किस में हो रहा है, टेबल में। उसके बाद शो आउटपुट में हम क्या कह रहे हैं, टेबल, ये कोड क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू टेबल। ठीक है, ये कोड हो रहा है इसमें, क्योंकि बार बार हम कोड को दिखा रहे हैं तो इस वजह से हम एक ही फंक्शन में बना लेते हैं। तो ये एक्चुअल में सिंपल HTML CSS JavaScript में अगर आपने इस तरह डायनेमिक डाटा दिखाना है तो ये तरीका है, और भी डिफरेंट तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जब आप लोग रिएक्ट में जाएंगे तो ये सारे तरीके ख़त्म हो जाएंगे, रिएक्ट में काम बहुत आसान है अभी, क्योंकि हम डायनेमिक डाटा दिखा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की मदद से HTML में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पर आईडी करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, हम HTML का जो कोड है वो HTML के अंदर ही रह के कर रहे होते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट भी साथ साथ लिख रहे होते हैं और HTML भी लिख रहे होते हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत ईजी लगता है। अभी ये आप लोगों को जाहिर सी बात मुश्किल लग रहा होगा, एक तो पहली बार देख रहे हैं और ये चीज़ है भी मुश्किल, लेकिन वक्त के साथ साथ इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन ये आपका यूज़ नहीं होना रिएक्ट में जाके। लेकिन कभी आप लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए सिंपल HTML CSS का, उसने कोई इस तरह का काम करवाना हो और आपको $500 दे रहा हो, आ गया पानी में, तो काम आपका 2 घंटे का सारा, ये 2 घंटे का भी नहीं है बल्कि, तो फिर कर लेना चाहिए ऐसे क्या, इस तरह से चीज़ों को सीख लेना चाहिए और आना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपकी रिएक्ट वगैरह पे ही बन रही होंगी, सिंपल HTML CSS JavaScript में नहीं बनती। आप लोगों ने देखा था एक, जब हम इवेंट्स पढ़ रहे थे ऑन फोकस ऑन ब्लर, आपने जिप कोड लिखा था और वो ऑटोमेटिकली सिटी नेम पॉपुलेट करवा रहा था दूसरी इनपुट फील्ड में, तो वो वाला टास्क एक बार हमारे स्टूडेंट ने $50 में दिया था, काम किया कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम होगा,
वैल्यू को गेट किया, उसी के बेस पर आपने सिटी नेम को उसमें ऐड करवा दिया, तो $50 आजकल के हिसाब से कितने, 14-15 हज़ार का है। बड़े लेकिन वो 5 मिनट का काम बंदा 1 साल लगाए फिर जाके सीखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहनत शुरू में बहुत है। आप लोग कह लें कि इन्वेस्टमेंट जो आप लोग कर रहे हैं अपने ब्रेन अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत है। ठीक है, और जहरी सी बात ये अल्लाह की तरफ से ही है कि बंदा कोई डेवलपर भी बनता है, वरना कोई चीज़ सौखी नहीं है, लेकिन आ जाए तो फिर औखी भी नहीं है ना, कोई भी चीज़ आ जाए वो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती है, लेकिन इनिशियल लेवल पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अभी भी आप लोग अगर इसको दिन में 6 या 8 घंटे ना दें तो ये आपके ऊपर से ही गुजरने लग जानी है, आपको समझ नहीं आनी इस चीज़ की, इस वजह से मेहनत करेंगे तो फ़ायदा है। ओके, बहरहाल आपके पास से प्रिंट यूज़र्स, यूज़र्स में अगर लेंथ नहीं है तो शो नोटिफिकेशन करवा दो, ठीक है, और उसके बाद ये क्या चल रही है, कौन सी पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, यूजर्स डॉट लेंथ है, हमें सारे यूजर्स ही चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम काम, जब आपको सारे यूजर्स ही चाहिए तो आप लोग फॉर लेट यूजर और यूजर्स, तो ये आपकी लूप कौन सी बन गई, फॉर ऑफ, ठीक है, फॉर ऑफ लूप बन गई, ये इसका सिंटैक्स है। लेट की मदद से आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और वेरिएबल का नेम क्या रखा आपने, यूजर, ऑफ यूजर, तो यहाँ पे नेम वही रखें जो आपका डाटा आ रहा होगा। लेट सपोज आपके पास अगर प्रोडक्ट्स होती तो आपकी ये एरे बन रही होती लेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो लेट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स, लेट यूजर ऑफ यूजर्स, लेट ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो इस तरह नाम लिखे जाते हैं। अच्छा, यूजर में वन बाय वन करके आपको वो एलिमेंट मिल रहा होगा, तो आप सिंपल कंसोल डॉट लॉग यूजर करवा देंगे। ये कोड आपका लेंथी है, ये कोड आपका आसान है और शॉर्ट है, काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, लेकिन ये मल्टीपल लाइंस और मल्टीपल स्टेटमेंट्स में चला जाता है, ये आपका सिंपल और इजी वे में आपका काम हो जाता है। जावास्क्रिप्ट जैसे जैसे अपडेट होती जा रही है, जावास्क्रिप्ट आसान होती जा रही है, काम को आसान कर रही है, परफॉर्मेंस फास्ट होती जा रही है, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट पॉपुलर बहुत है और इसके डेवलपर्स बहुत हैं। ओके जी, इसमें यह है कि हम आई, लेट सपोज आप कहते हैं कि सिर्फ यूजर्स कितने आए, 10 आए, तो आप इस तरह 10 लिख सकते हैं, ऐसे क्या, अगर आपको इसमें से भी 10 यूजर्स चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स ऑफ 10 नहीं आएगा जी, क्या कर सकते हैं जी, वो तो लेंथ हो जाएगी आपकी, कोड यही है, हमें एक एरे में से पहले 10 एलिमेंट चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स डॉट स्लाइस इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो और 10 से पहले पहले तक गेट कर लो, तो 10 से पहले पहले तक का मतलब 9 तक, 0 से 9 आपका 10 हो जाएगा, तो ये इस तरह आपका वर्क कर रहा है।